प्राचीन काल से भारत में स्त्रियों को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। स्त्री के त्याग, बलिदान और ममता की गाथा गाई जाती है और यही स्त्री जिन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं, इन्हीं देवी को माह के कठिन समय के दौरान हम लोग इग्नोर करते हैं या फिर सही तरह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। इन कठिन दिनों के दौरान स्त्री को रसोई घर में न जाने की, मंदिर मस्जिद में न जाने की परंपरा न जाने कितने सालों से चली आ रही है। चलिए आज हम इस बारे में जानते हैं कि यह परंपरा कितने सालों से और किसने शुरू करवाई थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मासिक धर्म में स्त्री को अछूत रहने की परंपरा भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर शुरू करवाई थी। प्राचीन धर्मों के अनुसार देवों के राजा इंद्र एक बार स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तभी उनके गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। अभिमान के वश इंद्र राजा अपनी जगह से खड़े न हुए और बृहस्पति का अपमान किया। बृहस्पति अपना अपमान सहन नहीं कर पाए और देवों के स्थान से वह दूर चले गए। इसलिए राजा इंद्र ने उनके गुरु के रूप में विश्वरूप को चुना। यो तो विश्वरूप अच्छा ही था, पर वह चुपके से दानवों को भी यज्ञ भाग दिया करता था। इससे क्रोधित होकर राजा इंद्र ने विश्वरूप को मार डाला। ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु का तप किया, उनकी तपस्या की। भगवान विष्णु ने इस पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र को रास्ता दिखाया और ये पाप को चार भागों में बांट दिया, पेड़, जल, भूमि और स्त्री। यानी कि माह के उन कठिन दिनों की जो पीड़ा स्त्री भोगती है, वो पाप उसने किया ही नहीं, वो इंद्र के पाप का एक हिस्सा है। तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि बरसों से स्त्री उन पापों को भुगती आई है जो उसने किया ही नहीं। वास्तव में मासिक स्त्राव का आना यह संकेत देता है कि स्त्री कोई बालक को, कोई बच्चे को जन्म दे सकती है। महान ऋषि मुनियों और मनुष्यों ने नहीं कहा था कि इन दिनों के दरमियान स्त्री अपवित्र हो जाती है, उनका अपमान करना चाहिए या फिर उनको बहिष्कृत करना चाहिए। प्राचीन काल से आज तक कोई भी धर्म में यह नहीं लिखा है कि उन दिनों के दरमियान स्त्री को घृणा की नजर से देखना चाहिए या फिर उनका बहिष्कार करना चाहिए। असल में प्राचीन काल की महिलाएं कर्म को ही अपना सिद्धांत मानती थी, कर्म को ही अपनी आस्था मानती थी। इसके साथ साथ ही वो हर रोज मंदिर जाती थी और भगवान की पूजा अर्चना करती थी। अपने कर्म को ही धर्म समझने वाली स्त्री हर रोज मंदिर जाती है, पर देवताओं और ऋषि मुनियों को लगा स्त्रियां वो पाप भुगत रही हैं जो इन्होंने किया ही नहीं। इनकी मुक्ति के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि महिलाओं को मंदिर मस्जिद में नहीं जाना उन समय के दरमियान, इसके साथ ही रसोई में न जाने से लेकर पति के सह संवत से भी इन समय के दौरान उन्हें मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस समय महिला के शरीर में से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलता है, इसलिए महिला कमजोर हो जाती है, कई पीड़ाओं का उससे सामना करना पड़ता है। इसलिए ये सब बंद हो जाने से वे घर में रह सकेगी और आराम कर पाएगी। समय पसार होता चला, वैसे वैसे ही ये जो परंपरा है ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने दी थी, वह धर्म में तब्दील हो गई और ये धर्म सभी स्त्रियां अपनाने लगी। हालांकि हिंदू शास्त्र में इनका कोई भी उल्लेख नहीं है कि इन दिनों के दरमियान स्त्रियां अपवित्र हो जाती है या फिर वे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। विज्ञान के अनुसार इस समय दरमियान स्त्रियों की शरीर में से बहुत ज्यादा रक्त की मात्रा बह जाती है, इसके कारण इन्फेक्शन का डर रहता है। प्राचीन काल में सैनिटरी पैड जैसी कोई सुविधा नहीं थी या फिर इस समय के दौरान जैसी जो भी सुविधाएं मिलती है वह सुविधा उस समय मौजूद नहीं थी। इसलिए देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने और उन समय के लोगों ने यह सुविधा करवाई होगी, जिससे स्त्रियों में इन्फेक्शन का डर न रहे और वे हेल्दी और तंदुरुस्त रह सके। जो कि एक बात साफ है, प्राचीन काल से लेकर अब तक महीने के उन कठिन दिनों में स्त्री का बहिष्कार करना, उसे अपवित्र मानना या फिर उनकी घृणा करना कोई भी धर्म में या कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है। और विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि उन दिनों के दरमियान
ऐसा कुछ नहीं होता जिससे हम उसे अपवित्र या फिर बहिष्कृत करें या घृणा की नजर से देखें। थैंक यू।